हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है राजीव राणा और मैं इंडिया हिमाचल से हूँ, जापान में रहता हूँ। यहाँ के बारे में बताता हूँ। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ टोक्यो के एक होटल में, यहाँ दिखाने की यहाँ जापान में होटल कैसे होते हैं। ये रहा होटल सामने, उसका नाम है टोक्यो बे टोक्यो होटल। तो चलो चलते हैं, चेक इन करते हैं और देखते हैं कैसे हैं यहाँ के होटल। ओशन व्यू, समुंदर के बगल में, इस साइड समुंदर है पूरा। और ये रहा होटल। चेक इन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ये रही रूम की की, हमारा रूम है 15 फ्लोर में। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। ये रहा हमारा रूम 1533। ये रही की, लेट्स गो। ये रहा हमारा रूम, वैसे यहाँ के होटल्स इंडिया के होटल्स के मुकाबले रूम थोड़ा छोटा बोल सकते हैं, क्योंकि छोटी सी कंट्री है, ज़्यादा स्पेस यहाँ है नहीं, तो हर चीज़ थोड़ी छोटी छोटी छोटे छोटे ही रूम होते हैं यहाँ पे। इधर टॉवल, ये रहा आपका बाथटब। बाथटब यहाँ लगभग हर होटल में ही होता है। और ये रहा वॉशरूम। टीवी और इधर पे थोड़ा सा स्पेस है। ये फ्रिज दे रखा है छोटा सा। और यहाँ पे कॉफ़ी चाय पानी अगर कुछ यहाँ पे बना सकते हो इसमें। और ये है आपकी सेफ, अगर सोना चांदी लेके घूम रहे हो तो इसमें डाल के लॉक कर दो। वो तो खैर हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। और टीवी का एक बड़ा कूल सा फीचर लगा, आप इसको रिमोट से घुमा सकते हो। मतलब कोई जरूरत नहीं है हिलने की, बेड से कंट्रोल कर लो। अभी अभी नहा लियो मैं, बाथटब में नहाने का मजा ही कुछ और है। मतलब पूरा, अभी थोड़ी ठंड हो गई यहाँ पे तो पूरा बॉडी गर्म हो गई, मजा आ गया। अभी आ रही है नींद, सुबह बात करते हैं। अभी अब मैं सोने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी भी बज रहे हैं सुबह के 6 और अभी सनराइज हो रहा है। और सनराइज़ वैसे तो जैसे आपको होता है, मैं हिमाचल से हूँ, पहाड़ों में से सनराइज़ तो बहुत टाइम, मतलब लगभग रोज़ ही देखा है, लेकिन समुंदर के बीच में से सूरज को उगते हुए इतनी बार नहीं देखा है, कि हमारे हिमाचल में हमारे पास समुंदर ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। सो आज वो चांस मिला है मेरे को। और अभी हम जिस होटल में हैं वो 15th फ्लोर में है हम,
ऊपर से देखने के तो कुछ और ही नज़ारा ही बड़ा मस्त लग रहा है, तो देखो आप भी कैसा लग रहा है। गाइस अभी लग रही है भूख और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। देखते हैं यहाँ के होटल्स में क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। ये फिश है, ये भी फिश है, ये मिक्स्ड बीन्स है, और ये थोड़े से राइस, थोड़ा सा सैलेड, और यहाँ पे थोड़ा सा चिकन, और फिर से सैलेड और जूस। मॉर्निंग में मैं ज़्यादातर हैवी प्रोटीन ब्रेकफास्ट ही करता हूँ। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो मास्क को रखने के लिए टेबल पे ये शीट सी दे रखी है कि मास्क को इसके अंदर रख दो, जिससे कि वो सही रहेगा, मतलब उसमें वायरस नहीं आएगा अगर टेबल में कहीं लगा भी होगा तो। हेलो, इतने से मेरा पेट नहीं भरेगा, ये तो सारा ख़त्म हो गया, मैं अभी जा रहा हूँ और लेके आता हूँ। 100 खाने के बाद कुछ मीठा ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। योगर्ट विद सम फ्रूट्स। और होटल में यहाँ पे थोड़ा सा खुला स्पेस दे रखा है, यहाँ पे आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो, बैठ सकते हो। और इधर से पूरा सामने आपका समुंदर है। मतलब बिल्कुल कॉर्नर में ही है, सुनामी आ गई तो सीधे इधर ही पहुंच जाएगी। 100 मीटर, आई थिंक 100 मीटर भी नहीं होगा होटल से समुंदर। हो गया है चेकआउट। चेकआउट का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जो आपकी की थी उसको इस बॉक्स में डाल दो और आपका चेकआउट प्रोसेस कंप्लीटेड। सो गाइज, हो गया है चेकआउट, अब चलते हैं घर। वैसे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा होटल, यहाँ का खाना भी और जो व्यू था और रूम था, सब कुछ काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो अभी यहाँ से है 110-120 किलोमीटर की ड्राइव, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और टाइम मिले तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चीयर्स, बाय बाय, टेक केयर।